3 साल आप साथ नहीं है पति के? हाँ, 3 साल साथ में। कोई बच्चा वगैरह अभी तक नहीं हुआ है? नहीं, मेरी सासू मैं ये सिखाई ना कि बच्चा पैदा हो जाए सब कुछ करना, पर बच्चा पैदा मत करना, इसलिए कि ताकि तुमको छोड़ देंगे, तुमसे बात नहीं करेंगे, तुमको कभी बेटा नहीं मानेंगे। तो वो भी अपने मम्मी के दबाव पर आके मैं सब चीटिंग किए थे। अब क्या हम बोल सकते हैं, उनका भी कुछ परसेंट गलती भी है, पर माँ के बात हुआ के किए हैं, पर जाने दीजिए, वो भी उनका माफ़ किए हैं हम गलती। मतलब हर कुछ करना लेकिन बच्चा पैदा मत होने देना, ये माँ बोलती थी? जी हाँ, मेरी सासू माँ सिखाती थी। सासू माँ बोलती? हाँ, सासू माँ बोलती थी। हम लोग बस गांधी मैदान बाहर मिले थे, उसी दिन से हम लोग फिर दोस्ती बने, फिर हम लोग प्यार मोहब्बत किए, फिर हम लोग शादी किए। कास्ट एक ही है आप लोग? नहीं, वो यादव है, हम गुप्ता। अब तो यादव हो चुके हैं। अब किस चीज़ के वो भेदभाव कर रही है कि नहीं लड़की तेलीनी है, हटाओ उसको, सब मुझे तेलीन तेली करती। कौन बोलता है? मेरी सासू माँ कहती है कि लड़की बोलती है आपको सासू माँ कि तेलीनी हाँ है, तेलीनिया को हटाओ यहाँ से, ऐसे बोलती है? हाँ, ऐसे बोलती। मतलब आपके पति खुश थे आपके परिवार से? हाँ, बहुत खुश थे। आपसे खुश थे? हाँ, बहुत ज्यादा खुश। ऐसा तो नहीं था कि आपसे बना बिगाड़ हो गया या आपके परिवार से बिगाड़ हो गया, इसलिए आपके पति भी चाहते हो कि आपसे दूर हो जाए? नहीं, मैं पति नहीं, उनको दूर करवाया जा रहा है। आपके पति से दूर करवाया जा रहा हाँ। है, उनकी मर्जी नहीं है? उनकी मर्जी नहीं है। नमस्कार, अभी हमारे साथ पटना की एक लड़की है और इनको एक लड़के से प्यार हो जाता है, और वो प्यार इस कदर होता है कि दोनों का एक दूसरे से शादी तक हो जाता है, और वो लड़का कोई और नहीं दानापुर के प्रमुख के बेटे होते हैं, और शादी होने के बाद भी अभी ये लोग दूर रह रहे हैं। दूर इसलिए रह रहे हैं कि लगभग काफ़ी दिनों तक साथ रहे, इन लड़के के परिवार के तरफ से प्रेशर आता था कि हर कुछ करना पर बच्चा पैदा मत होने देना। अब सोचिए जरा कि लड़की के शादी होने के बाद भी जिसका परिवार ये चाहता हो कि उसके लड़के का बच्चा पैदा ना हो, और इस वजह से कि उसके लड़की को कभी छोड़ देना है, अब समझ सकते हैं कि इस लड़की पर क्या बीत रहा होगा। इनका जो आरोप है वो क्या कुछ है, कैसे है, और क्या कुछ माजरा है, सारा चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये बताइए, क्या नाम है आपका? शालू कुमारी। कहाँ की रहने वाली हैं? पटना। पटना की। जो लड़का से प्यार की थी, क्या नाम है उनका? हर्षराज उर्फ राजा बाबू। अच्छा, वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो दानापुर के, वो भी पटना के रहने वाले, दानापुर में स्पॉन्सर है ना। हाँ। वहीं पर उनका घर है। तो उनके पिताजी प्रमुख हैं? उनके पिताजी मेरे सासू माँ बदना राय। अच्छा। वो लक्ष्मी मुखिया की बहू हुई बदना राय, और बदना राय की बहू हम हुए। अच्छा। और कन्हैया यादव मेरे ससुर जी हुए। अच्छा, मतलब आप प्रमुख की बहू हैं? जी हाँ। अच्छा, इतने बड़े घराने में आपने प्यार किया, शादी किया, हर कुछ हुआ, कैसे दूर हो गई? दूर हम लोग 3 साल साथ में थे, दूर किया गया। 3 सालों तक साथ में रहने के बाद दूर हुई? हाँ, दूर किया गया, दूर हुए नहीं है। अच्छा। दूर करवाया गया। पहले प्यार की थी आप? हाँ, पहले प्यार किया। अच्छा, खुद से शादी भी भाग कर की थी या परिवार की मर्जी से की थी? नहीं, शादी हम लोग अपने मर्जी से किए थे। मर्जी से किए थे? जी हाँ। कहाँ पर हुआ था शादी? सबसे पहले हम लोग मंदिर में शादी किए थे, ताकि वो लोग का फैमिली, मेरे पति का फैमिली लोग घर पर आए थे, मेरे ससुर जी आए थे और मेरी सासू माँ आई थी, मेरे चचा ससुर जी भी आए थे, 5 लोग समाज के लोग आए थे कि लड़की ऐसा ऐसा बात है, देखिए ऐसा ऐसा हुआ है। तो मेरे भैया जी बोले कि देखिए हुआ है जो हुआ है, अपना बेटा को देखिए, हम अपनी बहन को देख लेंगे। तो वो फिर हर्ष मेरे पति भाग गए घर से, तो फिर भाग गए तो उनको फ़ोन किए कि कहाँ है, नहीं है, बताइए मुझे, सब लोग मेरे घर पर चढ़ रहे हैं। तो वो बोले जो आए उनको मारो भर पेट। अच्छा। हाँ, मतलब शादी हो गया, आप एक दूसरे के मतलब हो भी गए, हर कुछ हुआ, उसके बाद परिवार एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था? नहीं, एक्सेप्ट करने का तैयार नहीं था। तो आप लोग कहाँ रह रही थी जब शादी हो गया? तो कहाँ रह रही थी आपको, कहाँ रह रख, आपके पति कहाँ रख रहे थे? बेंगलोर रहते थे साथ में। बेंगलोर रहती थी? हाँ। घर पे नहीं रहती थी? नहीं, घर पे एक नहीं। दिन भी घर नहीं रही है? नहीं, घर पे पति के साथ रहना मंजूर करेंगे साथ साथ, वो बोले मेरे साथ रहना मंजूर करोगे, मम्मी पापा के साथ रह के क्या करोगे, लोग टॉर्चर करेंगे। शुरू से ही बता दें, मंदिर में शादी किए होंगे तो उसके बाद आप लोग कहाँ गए मंदिर में शादी करने के? मंदिर में शादी किए तो वो शादी का मेरी मम्मी नहीं मानी, बोली मेरी शादी को नहीं मानते। आपकी मम्मी नहीं मानी? हाँ, मेरी मम्मी नहीं मानी कि मेरी शादी को नहीं मानते। तो फिर वो बोले कि ठीक है तुम्हारी मम्मी ऐसे नहीं सुनेगी, अब इनको हम जवाब देते हैं। अच्छा। तो हम लोग कोर्ट में भी शादी की है ताकि हम दोनों का हाथ मजबूत हो जाए, दोनों फैमिली अलग नहीं कर सके हम दोनों को। मतलब मंदिर में शादी हुआ, कोर्ट मैरिज हुआ। हाँ। हर कुछ हुआ जो एक शादी में होता है। हाँ। फोटो में आप दिखा रही थी कि उसमें पूरा मतलब अच्छे से लड़के को चैन वगैरह, अंगूठी वगैरह भी, हर कुछ जो दिया जाता है एक दामाद को बिहार में, वो आप लोगों ने दिया था? हाँ, सब कुछ दिए उनको। अच्छा। जो आपके पति खुश थे आपके परिवार से? हाँ, बहुत खुश थे। हाँ। आपसे खुश थे? हाँ, बहुत ज्यादा खुश। ऐसा तो नहीं था कि आपसे बना बिगाड़ हो गया या आपके परिवार से बिगाड़ हो गया? हमारे पास सभी बैचेज उपलब्ध हैं, 1-5 पीआरटी के एक्सक्लूसिव बैचेज उपलब्ध हैं, लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, उसके अंदर में 6-8 के सभी बैचेज जीएस के साथ विषय भी उपलब्ध हैं, थ्योरी क्लास के रूप में 9-10 में भी जीएस प्लस सभी विषय अलग अलग उपलब्ध हैं, और 11-12 के भी जीएस प्लस सभी विषय हमारे पास उपलब्ध हैं, और बैच की फीस मात्र 999 रुपए, ऑफर प्राइस चल रहा है मात्र 999 रुपए में। डाउनलोड कीजिए ऑफिसर अकेडमी ऐप और जुड़िए अभी हमारे साथ। जय हिंद। इसलिए आपके पति भी चाहते हो कि आपसे दूर हो जाए?
नहीं मेरे पति नहीं चाहे, उनको दूर करवाया जा रहा है। आपके पति से दूर करवाया जा रहा है? हाँ। उनकी मर्जी नहीं है? उनकी मर्जी नहीं है। अच्छा, इतना मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल सकती हैं आप? क्योंकि हम उनसे प्यार किए हैं, उनको पता है उनके दिल के बारे में, मुझे सारा घर के बारे में बात बताते थे मुझे। आपके पति प्यार करते हैं आपसे? हाँ, अभी भी प्यार करते हैं। करते हैं? हाँ। अगर वो आपसे प्यार करते तो आपसे इतना दूर रह पाते क्या? उनको रखा जा रहा है। कौन रखा है? ऐसा तो नहीं है कि बंधक बनाया गया होगा? हाँ, मेरी सासू माँ, ससुर जी, बहुत उनके जो फैमिली है वो लोग दवा बना चुकी हैं और उनको माइंड वॉश कर चुका है पूरा अच्छे तरीका से, और पूरा प्रेशर बना चुका है कि ऐसे करोगे तब लड़की को छोड़ दो, तुमको हर चीज़ मिलेगा, जॉब भी तुमको छोड़ देंगे, और मुझे पति से मुझे मिलने भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अभी तक नहीं मिली? अभी तक नहीं मिले हैं। 3 साल शादी को हो गए हैं? 3 साल शादी में उनका हो चुका है, जुलाई में घर आए हैं कि अब मेरे पति का जॉब लग जाएगा। अच्छा। हाँ, खुशी से हम आए पटना। चीज में जॉब लग गया है? इंजीनियर थे। अच्छा, जॉब लग गया है? हाँ, जॉब लगने वाला ही था। अच्छा, हाँ। तो अभी दूर कितने दिनों से हैं आप? वही 7 महीना हो चुका है। 7 महीना? हाँ। बातचीत होता है पति से? नहीं, बातचीत कुछ नहीं, मैं पति का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है, सिम वगैरह सब चीज चेंज करवा दिया ताकि लड़की से दूर ही बनाओ। अच्छा। हाँ। प्यार कहाँ हुआ था आप लोगों को? कैसे प्यार, एक दूसरे के नजदीक कैसे आई थी आप लोग? हम लोग बस गांधी मैदान बाहर मिले थे, उसी दिन से हम लोग फिर दोस्ती बने, फिर हम लोग प्यार मोहब्बत किए, फिर हम लोग शादी किए। कास्ट एक ही है आप लोग? नहीं, वो यादव है, हम गुप्ता। अब तो यादव हो चुके हैं, अब किस चीज़ की वो भेदभाव कर रही है कि नहीं लड़की तेलीनी है, हटाओ उसको, सब मुझे तेलीन करती है। कौन बोलता है? मेरी सासू माँ कहती है कि लड़की बोलती है आपको कि तेलीनी है, तेलीनिया को हटाओ यहाँ से, ऐसे बोलती है? हाँ, ऐसे मतलब बोलती है। आपके कास्ट का लेकर नाम, कास्ट का नाम पुकारती है? हाँ, कास्ट का नाम लेकर पुकारते हैं। फिर भी हमको उस बात का बुरा नहीं लगता, हमको सजाने तो, जैसे मेरी माँ है वो भी मेरी माँ है। पति के लिए कुछ भी मंजूर? हाँ, कुछ भी मंजूर है। कोई मारता पीटता भी था ससुराल में? हाँ, कभी कभी मेरे पति को किया जाता था, भड़काया जाता था कि ऐसे करोगे तो ऐसे शायद कुछ हो जाए, तो फिर भी वो मुझे कभी कभी माँ के बाद तुम्हें हाथ छोड़ देते थे। वो आपके पति? हाथ छोड़ देते थे। अच्छा। फिर भी हम बर्दाश्त करते थे। अच्छा। उन्हीं को हम समझाते थे ऐसे क्यों करते मेरे साथ। कुछ ज़्यादा प्यार में आप नहीं हैं? जिस जो पति आपसे बात नहीं करते हैं, कभी हाथ भी छोड़ते थे, और आप अभी भी कह रही हैं कि हम उनसे प्यार करते हैं, आप अभी कह रही हैं कि मेरे पति का भी हालत बुरा होगा मेरे बिना, तो कुछ ज़्यादा प्यार नहीं है क्या? वन साइडेड है या उनके तरफ से भी ऐसा है? दोनों तरफ से है। दोनों तरफ से है? हाँ। वो भी परेशान होंगे आपके? हाँ, वो भी परेशान है, बहुत होंगे। अच्छा। हाँ। मतलब अभी अगर आपके पति आपको सामने से देखेंगे तो आपसे बातचीत करने को तैयार होंगे? हाँ, बिल्कुल। हाँ। एक बार आए तो सही। हाँ, बहुत भरोसा उन पर हमको, पति पर पूरा भरोसा। हाँ, पूरा भरोसा। लेकिन पति के परिवार वालों पर? नहीं, किसी पर नहीं, नहीं किसी पर, क्योंकि वो लोग मेरा घर बर्बाद कर दिए। आज दर भटक रहे, कहीं का भी नहीं, मुझे नहीं छोड़े, प्रमुख बनेंगे तो उसके मतलब क्या कि लड़की को इज्जत नहीं होता है? मतलब आपकी सासू माँ जब से प्रमुख बनी है तभी से ज्यादा कुछ होने लगा? हाँ, क्या? हाँ, जब से प्रमुख बनना चालू कर दी, जब से इलेक्शन में उठी थी। हाँ। तो उस बार हम लोग घर आए तो वो अपना बेटे, मेरे पति जी को, उसको भड़काना, ये करो वो करो, ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा, वैसे करो तो ऐसे कर जाएगा। अच्छा, मतलब आप उनके घर रही हैं कुछ दिन? घर नहीं रहे, वो लोग खुद आई हमसे मिलने के लिए। आपके घर? हाँ, मेरे ससुर जी आए हैं, मेरे सासू माँ। जब बंगलोर से आप पटना आई होंगी तो आप लोग कहाँ रहते थे? वो अपनी मम्मी के घर पे गए थे और हम अपनी मम्मी के घर पे गए थे। और वहाँ से वो लोग आते थे आपके घर? नहीं, मेरे पति आते थे। आपके पति से? हाँ, आते थे। हाँ। और वहाँ से कोई नहीं आता था, सास ससुर कोई नहीं आता था? अब क्यों आएंगे, अब तो शादी हो गया, पहले शादी नहीं हुआ तो पहले आते थे कि लड़का लड़की को फोन दिया जाए, मैं बेटा भाग गए घर से, देखिए कहाँ है, लड़की को फोन दिया, पूछा जाए कि लड़की से, लड़की को ही बताएगा कि लड़का, क्योंकि मेरा फोन नहीं उठा रहा है। मतलब आपसे शादी करने के लिए आपके जो पति हैं जिनसे प्यार करती थी आप, वो सब ड्रामा कर रहे थे जो एक आम लड़का प्यार में करता है? वो ड्रामा नहीं कर रहे थे, हम प्यार करते तभी वो सारे ड्रामा किए हैं, और वो हमें घर से भागते थे शादी करने के लिए, वो सब कर रहे थे कि अगर शादी नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, ये सब जो होता है लड़कों का। हाँ, सुसाइड नोट्स भी लिखे हैं मेरे, सुसाइड नोट लिखे हैं? हाँ। आपके पति? जी हाँ। आपके लिए? हाँ, फोटो भी मेरे पास। और अभी बात तक नहीं हो? अभी बात तक भी नहीं हो रहा, ऊपर से वो पंखा लटका के जो फांसी का वो उसका भी फोटो है। अच्छा, इतना प्यार करते? हाँ, तो तभी हम उनको हाँ बोले हम शादी करें, क्योंकि हम भी फैमिली के दबाव में, हम भी कुछ देर के लिए भटक चुके थे, और फिर भी वो हमको भटकने नहीं दिए। जब आप कुंवारी थी तो आपके लिए वो फांसी का फंदा तैयार कर रहे थे कि हम मर जाएंगे लेकिन इस लड़की से शादी करेंगे, उस टाइम आप थोड़ा उनको इग्नोर कर रही थी, अपने परिवार का इज्जत देख रही थी और सोच रही थी कि इस लड़का से शादी नहीं करें, इतना कुछ हुआ है आप लोगों को? हाँ, बहुत कुछ हुआ। अच्छा, फिर शादी होने के बाद अब उन्हीं को हर चीज मंजूर हो गया है? अब शादी का उनको हर चीज मंजूर करवाया जा रहा है, जबरदस्ती करवाया जा रहा है। जबरदस्ती? हाँ। मतलब उनके तरफ से कोई दबाव नहीं? कोई दबाव नहीं है। अच्छा, कोई कि आपके घर वाले किसी, आपके भाई से या मम्मी पापा किसी से आपके पति का कभी बातचीत होता है? नहीं, मैं पति से बात नहीं करवाया, किसी से नहीं हो रहा है। तो वो कहाँ रहते हैं? वो दानापुर ही शिफ्ट हो गए हैं क्या? हाँ, दानापुर शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा। उनके साथ 4 बॉडीगार्ड लगाया गया है कि लड़की कभी मिल भी जाएगी तो लड़का को तुरंत गायब किया जाए। अच्छा। हाँ। मतलब मिल भी जाएगी तो लड़का को गायब कर दिया जाएगा? हाँ। अच्छा, तो अब क्या चाहती हैं आप? पति से दूर हो गई, प्यार कर रही, पति से दूर हैं, अब क्या चाहती हैं?
अब ये चाहते हैं हम कि रहेंगे तो उन्हीं के साथ रहेंगे, कितना भी आप कुछ कर लीजिए, बॉडीगार्ड रख लीजिए या कुछ भी रख लीजिए, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो शादी की लव मैरिज, और रहना तो उन्हीं के साथ, प्यार करके शादी, कोई मजाक करके शादी नहीं की है हम, प्यार किए हैं, कोई डरना नहीं है, कोई डरना नहीं है। अच्छा, इसके लिए हमको कितना कुछ करना पड़े हम करेंगे, जो करना होगा कीजिएगा। हाँ, करेंगे पति के लिए। हाँ, पति के लिए। अच्छा, काफ़ी लोग होते हैं जो शादी हो गया या कुछ हो गया तो पति भी इग्नोर करने लगते हैं, अभी 7 महीने में आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके पति आपको इग्नोर करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो दबाव में है। क्यों लगा? क्योंकि उनका फीलिंग हम समझ चुके हैं कि वो दबाव में है, क्योंकि वो मुझे सारा बात पहले बता चुके थे, मेरी फैमिली ऐसे है वैसे हैं, फिर भी उनका सारा बात फीलिंग पकड़ चुके हैं, और कोई मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे पति ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि मैं पता है कि मेरे पति का साइन भी नहीं है डाइवोर्स पेपर में। अच्छा, 3 साल आप साथ नहीं हैं पति के? हाँ, 3 साल साथ। कोई बच्चा वगैरह अभी तक नहीं हुआ है? नहीं, मेरी सासू मैं ये सिखाई ना कि बच्चा पैदा हो जाए सब कुछ करना, पर बच्चा पैदा मत करना, इसलिए कि ताकि तुमको छोड़ देंगे, तुमसे बात नहीं करेंगे, तुमको कभी बेटा नहीं मानेंगे, तो वो भी अपने मम्मी के दबाव पर आकर मेरे साथ चीटिंग किए थे। अच्छा। अब क्या हम बोल सकते हैं, अब उनका भी कुछ परसेंट गलती भी है, पर माँ के बात तो वाकई किए हैं, पर जाने दीजिए, वो भी उनका माफ़ किए हम गलती। मतलब हर कुछ करना लेकिन बच्चा पैदा मत होने देना, ये माँ बोलती थी? जी हाँ, मेरी सासू माँ सिखाती थी। सासू माँ बोलती? हाँ, सासू माँ बोलती थी। उनसे कभी पूछी नहीं कि आपको नहीं शौक है कि अपना बेटे का बेटा जो नाती पोता होता है उसको खिलाएं? नहीं, उनको शौक नहीं है। नहीं शौक है? नहीं। या दूसरे से शादी करवाना चाहती हैं पति का? हाँ, शादी तो करवाना चाहती है, इसी तो 80 लाख का डिमांड है उनका। 80 लाख का डिमांड है? हाँ, कि शादीशुदा मर्द का शादी के लिए 80 लाख का डिमांड? बिल्कुल। हाँ। अच्छा, किससे कर रहे हैं डिमांड? अब पता नहीं, वो प्रमुख की कोई बेटी है या अपना विधायक की बेटी है, समथिंग ऐसा ही कुछ सुने हैं, सबके मुँह से सुने हैं। अच्छा। अब ये जाने नहीं अभी तक ये वो कौन है मुझे। मतलब प्रमुख बने हैं और जब से इंजीनियरिंग की जॉब लगी है तब से 80 लाख रुपया का डिमांड हो गया है जी। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी चाहिए। फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए? हाँ। मतलब 80-50 1-30 लाख के आसपास हो जाएगा? हाँ, हाँ, उतना का दहेज चाहिए उनको? हाँ, हम कहाँ से देंगे, जितना मुझे देना था दे चुके हम, अब हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो क्या आप कभी इतने उम्र में शादी के बाद भी दहेज देते हुए किसी को देखी है क्या? नहीं, कभी नहीं देखे हम किसी को। अब जरा सोचिए कितना संगीन मामला है, 6 साल पहले प्यार करती है, 3 साल शादीशुदा जिंदगी बिताती हैं, और उसके बावजूद भी 3 साल शादीशुदा रहने के बाद भी पति इनसे बच्चा नहीं होने देते हैं, क्योंकि इनकी सासू माँ कहती हैं कि सब कुछ करना लेकिन बच्चा पैदा मत होने देना, नहीं तो इमोशन तुम्हारा उसके प्रति और ज़्यादा हो जाएगा। अब जरा सोचिए, लड़की दर दर की ठोकरें खा रही है और शादीशुदा मर्द होते हुए भी दहेज में 80 लाख रुपया और फॉर्च्यूनर का डिमांड किया जा रहा है, क्या दिखा रही हैं? ये फोटो देखिए, कुछ हम लोग का कुमारे का फोटो है। अच्छा, ये जब आप लोग का शादी नहीं हुआ था तब का फोटो? तब है? का फोटो है। अच्छा, देखिए किस तरह से कपल का ये फोटो है, और इतना फोटो है कि उसका हिसाब नहीं है। बेंगलोर में साथ में रहते, कितने लोग खुशी रहते। अच्छा, मतलब ये बेंगलोर की तस्वीरें हैं? हाँ सर, बेंगलोर की, बम्बई के। शादी नहीं हुआ था तो प्यार करते थे? हाँ हाँ, भरपूर प्यार करते थे। भरपूर प्यार करते, एक दिन बात नहीं करते थे, वो हाथ काट लेते थे। एक दिन आप बात नहीं करती थी तो हाथ काट लेते थे? हाँ हाँ। अच्छा, हॉस्टल से ही, उनके हॉस्टल से सारा फ्रेंड लोग मुझे फोन करते थे, भाभी जी ऐसे क्यों कर रही हैं, देखिए हर्ष खाना नहीं खा रहे हैं। अच्छा, इतना प्यार था? इतना प्यार था। आप घर पे बताई होंगी तो आपके घर वाले भी डांट रहे होंगे आपको? मेरे घर वाले बहुत डांटे, बोले कि लड़का को छोड़ दो छोड़ दो। हाँ। मेरी मम्मी भी बहुत लड़का को भड़काई भी, बेटा मत कीजिए लड़की से शादी, आप इससे भी अच्छी मिलेगी, पर वो बोले नहीं मुझे चाहिए तो सालू चाहिए, बना आप लोग को गोली मार देंगे, लड़की को भी गोली मार देगा, खुद भी मर जाएंगे। अच्छा, ये आपके पति बोलते थे जब शादी नहीं हुआ था? हाँ, जब शादी नहीं हुआ था। अब जब उनकी माँ रोक रही है आपसे मिलने के लिए, तब क्या बोलते हैं? अब कोई मिलना ही नहीं दे रहे, तो कैसे हम बता दें कि वो क्या बोलना चाह रहे नहीं बोलना तो चाह रहे। अब वो जो हाथ का काटना हुआ, जो कुंवार थी तब काटते थे आपके लिए, अब नहीं हो पा रहा है? अब पता है काटते ही होंगे, अब मुझे पता चलेगा तो ना कि काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं। अब जरा सोचिए, इस लड़की का प्यार देखिए कि अभी भी ये लड़की कह रही है कि मेरे पति अभी भी प्यार करते हैं, बस मजबूरी है जिसके वजह से वो हमसे बात नहीं करते हैं। कुंवार थी तो हाथ काटते थे, लेकिन अभी काटते हैं कि नहीं इनको भी नहीं पता है। क्या दिखा रही हैं? कुछ फोटो दिखा रहे हैं, देखिए हम लोग साथ में कितने खुश रहते। देखिए मैं नाम भी लिखवाए थे चेस्ट पर। अच्छा, आपका नाम अपने चेस्ट पे लिखवाए थे? जी हाँ। टैटू बनवाए थे? हाँ। अच्छा, ये मेरी फुआ सास है। अच्छा, वो भी आई थी, 14 दिन मेरे साथ रही थी बेंगलोर में। मतलब हर कोई मान गया था, लड़के की बुआ भी मान गई थी? जी हाँ, सब लोग मान गए, मेरी सासू माँ भी आई थी। हाँ। सब लोग मिलने में, ददिया सास भी आई थी बेंगलोर में। अच्छा, मेरे ससुर जी भी आए थे, ननद लोग भी आए थे, सब लोग आए थे। पति के चेस्ट पे दो दो टैटू है? हाँ, दो दो टैटू, एक कवर करवा दी मेरी सासू माँ। अच्छा, की लड़की का नाम हटवाओ। आप ही का नाम था? हाँ, मेरा ही नाम था। आपकी सासू माँ हटवा दी? हाँ, मेरी सासू माँ हटवा दी। अच्छा, देखिए ये फर्स्ट नाम है यहाँ। अच्छा, फोटो में कुछ देख सकते हैं, ये फर्स्ट नाम है, ये जो है वो नाम लिखवाए थे। हाँ। और आपकी सासू माँ ढकवा दी? ढकवा दी कि नहीं चाहिए? नहीं, ये बहू नहीं मंजूर है। नहीं।
अब क्या, अब आप महिला थाना या महिला आयोग कहीं जा रही हैं या नहीं जा रही हैं? जा रहे हैं, डर तो भटक ही रहे हैं, कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा है, कहीं से नहीं मिल रहा है। बस थाना में, महिला थाना कंप्लेन की है कि मेरे पति को बुलाया जाए, एक बार बात करवाया जाए काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग के लिए वो डेट दी है, एक डेट पर तो नहीं आए, मेरे ससुर जी आए। अच्छा, मतलब पैसे का भी धौंस दिखा के लोग आप लोगों से मिलने के लिए, दूरी बनाने के लिए दिखा रहे हैं कि पैसा भी है बहुत मेरे पास। अब हाँ, वो तो है उनके पास। अच्छा, अब देखिए, ये सालू हैं और पटना की हैं, और पटना का ही लड़का भी है दानापुर का। लड़के की जो माँ है वो प्रमुख बन चुकी हैं, लड़का का जो जॉब है वो इंजीनियरिंग में अब जॉब करने लगा है, और लड़की से दूर हो गया है। 7 महीने इनको दूर रहे हुए हो गया, 3 साल शादीशुदा जिंदगी साथ में बिताए, एक बच्चा भी पैदा होने नहीं दिया, और अभी भी सोचिए कि इस लड़की को कितना प्यार है कि अभी भी बोलती है कि मेरा पति मेरे लिए हाथ काटता होगा, मेरे लिए परेशान होगा, बस मजबूर बस हमसे दूर है। ज़रा सोचिए, इतना प्यार करने वाली लड़की को भी छोड़ा जा रहा है, और ऊपर से जात जो है इनका अदर कास्ट है और तेलिनिया बोलकर। ये सुसाइड नोट है किनका, क्या लिखे हैं इसमें, आप ही पढ़िए तो थोड़ा। इसमें हर्ष राज लिखा हुआ है। अच्छा, और ये देखिए, देखिए किस तरह से फांसी का फंदा इनके इनके जो हस्बैंड है वो तैयार किए थे कुंवार में, जब इनका शादी नहीं हुआ था। ये सुसाइड नोट तैयार किया है उन्होंने, और सुसाइड नोट लिखा है, और तब लिखा है जब ये शादी करने को तैयार नहीं थी। मंदिर का शादी का फोटो। अच्छा, ये मंदिर की तस्वीरें हैं, और हाँ, मंदिर में जब शादी कर रही थी आप लोग, तब की तस्वीरें हैं। जी हाँ। अब क्या चाहती हैं, कहीं से इंसाफ का कोई हुआ कि हमें इंसाफ मिल जाएगा? हाँ, इंसाफ तो मिलना ही चाहिए मुझे, क्योंकि हम सब जगह तो सही है, मुझे क्यों नहीं मिल, नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर। पति के साथ रहना है या छोड़ना है? नहीं, पति के साथ रहना है। काफी लोग ऐसे भी होंगे जो बोल रहे होंगे कि जब वो दूसरा शादी करने के लिए तैयार है तो तुम उसके प्यार में क्यों पागल हो, तुम भी कर लो। उन लोगों से बोलने के बाद तो थोड़ी हम चलेंगे, प्यार करके शादी किए हैं, 2 शादी करने से नाम रोशन नहीं हो जाता, लड़का रहे या लड़की रहे। अच्छा, मतलब शादी करना हो गया तो साथी जीवन बिताना। हाँ, साथी जीवन बिताएंगे, जैसा भी हो साथी रहिए। हाँ, जैसा भी रहे साथी रहेंगे। हाँ। मरना मंजूर करेंगे, उनको छोड़ना मंजूर कभी नहीं करेंगे। मरना मंजूर है लेकिन पति से दूर नहीं रहिए। नहीं रहेंगे, चाहे वो लोग कितना भी कोशिश कर लेंगे ना कि दूर कर दे लड़की को। दूसरा शादी करे पति तब? करने ही नहीं देंगे हम। नहीं करने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, दूसरा पति का जो दूसरा शादी होगा, दहेज लेकर जो 80 लाख का डिमांड हो रहा है, अगर देने पे कोई तैयार हो जाए तो नहीं करने दीजिएगा। नहीं करने देंगे, वही लड़की जो होगी, जो महाबुर्बक होगी, जो मैं पति से शादी करेगी, वो फंसना चाहेगी तो करेगी। छिपा कर अगर शादी कर ले तो, और फिर बोले कि साथ रहिए तो क्या रहिएगा? कैसे साथ रहेंगे? नहीं रहिएगा, बिल्कुल नहीं रहेंगे। पति का बंटवारा नहीं होने दीजिएगा। नहीं होने देंगे बंटवारा। चलिए, बाकी देख सकते हैं, दर दर की ठोकर खा रही है, महिला थाना भी गई है ये लड़की। बाकी अब देख सकते हैं कि इस तरह का भी कृत्य होता है कि 3 साल के शादीशुदा मर्द का दोबारा शादी करने का तैयारी किया जा रहा है, और इतनी पढ़ी लिखी सुंदर लड़की सड़क पर न्याय की भीख मांग रही है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।